स्कॉर्पियो का इंजन है, इसका इंजन एमहो का इंजन है, न्यू मॉडल गाड़ी स्कॉर्पियो। अब इसका इंजन ओवरहाल करने जा रहे हैं हम। आप सबसे पहले हम इसकी लगाएंगे न्यूजल, जो यहाँ पर लगती हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं, ये देखिए जिस टाइप की न्यूजल होती हैं। इसमें 8 नंबर का बोर्ड लगता है, ये देखिए। अब इसमें लगाने जा रहे हैं कि यहाँ पर लगती हैं जी, इस टाइप से इसकी न्यूजल लगती हैं, देखिए लग गई एक न्यूजल हो जाए उसका 8 नंबर का बोल्ट जो यहाँ पर लगता है। देखिए हमने ये लगा दिए एक न्यूजल, और इसी तरीके से हम इसकी सारी न्यूजल लगा देंगे। ये देखिए हमने इसकी चारों न्यूजल लगा दी हैं। अब इसमें कुछ इस टाइप की गोटी लगेगी, 8 नंबर भी छोटी भी लगा सकते हो, बड़ी भी लगा सकते हो, हमने अभी बड़ी गोटी लगाई है, इसको हम कस देंगे। ये देखिए हम इसकी चारों नीजल कस दी हैं। अब इसकी क्रैंक रखने जा रहे हैं प्लस पे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके पीस पे, जब इनके पीस होते हैं बेयरिंग पे, हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। देखिए जैसे इसकी क्रैंक है, जिसका क्रैंक का कवर है ऊपर का, इसमें पूरी प्लेट लगती है, देखिए पूरी लोहे की प्लेट होती है इसमें ये। अभी इसको लगाएंगे हम, पहले इसको क्रैंक को रखेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब ऑयल लगाकर फिर इसकी क्रैंक रखेंगे। ये देखिए हमने इस पर ऑयल लगा दिया है, अब इसकी क्रैंक रखने जा रहे हैं हम। ये देखिए हमने इसकी क्रैंक रख दी है, अब इसके डालेंगे थर्ड वार्सल, जो स्टाप की थर्ड वार्सल होती हैं इसमें। ये देखिए इसमें कुछ स्टाप की थर्ड वार्सल होती हैं, अभी हम इसको लगाएंगे। देखिए जो सबसे पीछे वाली साइड में लगती है थर्ड वार्सल, कट वाला हिस्सा इस साइड रहेगा, फ्लाईव्हील की साइड रहेगा इसका कट वाला हिस्सा। देखिए ये देखिए जो कट वाला हिस्सा है वो फ्लाईव्हील की तरफ रहेगा इससे ऐसे। ये देखिए डाल दिया हमने इसकी थर्ड वार्सल। अब इसकी जो दूसरी थर्ड पार्सल इसमें कट होता है, अब जो वाला जो कट है जो वो इधर रहेगा क्रैंक की साइड, इधर टाइमी की तरफ, इसको डालने जा रहे हैं। इसकी थर्ड पार्सल दोनों डाल दी हैं, एक इस साइड पर गई और एक इधर पर गई, दोनों साइड में डाल दी हैं थर्ड पार्सल। और देखिए दो थर्ड पार्सल जो बची हैं वो इसमें लगेंगे अभी, ये देखिए यहाँ पर लगेंगे जी, ये कुछ इस टाइप से लगेंगे, इस टाइप से लगेंगे। देखिए ये कट वाला हिस्सा है, बाहर की साइड रहेगा। अभी हम इसको फिट करने जा रहे हैं, फिर दिखाएंगे आपको।
ये देखिए इसको हम अभी इसमें थर्ड पार्सल सेट करके अभी इस प्लेट को हम इस पर रख देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, इन पर ऑयल डालेंगे, फिर इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, फिर इसको प्लेट को रख देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। इसको रखने जा रहे हैं, हमने कवर रख दिया, हो गया अब जो कवर इसका। अब देखिए इसमें जो 15 नंबर के बोल्ट लगते हैं, जो यहाँ पर देखिए 15 नंबर के बोल्ट लगते हैं, और देखिए जो 8 नंबर एलंकी का बोल्ट इसमें लगता है। देखिए जो इसमें कट भी बना है और इसमें जो पूरा चला जाता है बोल्ट, ये इसमें 15 नंबर के बोल्ट लगते हैं। अभी सारे बोल्ट हम डाल लेंगे इसी तरीके से इसके। ये देखिए हम इसके सारे बोल्ट लगा दिए एलंकी के। इसमें 8 नंबर एलंकी लगती है, इसमें 15 नंबर गोटी लगती है। अब इसको हम सारे बोल्ट इसको कस देंगे, फिर आगे की फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये पूरी कस देंगे, फिर आगे की फिटिंग दिखाएंगे आपको। ओके, इसके सारे बोल्ट टाइट कर दिए, 8 नंबर एलंकी के और 15 नंबर बोल्ट। और आपको दिखा दें इसका इंजन कहाँ पर से लॉक होता है, इसका कहाँ पर से करेंगे लॉक होती है इंजन टाइमिंग लाने के लिए। देखिए जो कट दिखा रहा आपको, ये कट है, देखिए ये कट। इसमें आप यहाँ पर देखिए जी, ये इसका नट है जो हमने खोल के रखा है। ये देखिए अभी हम इसको सेट कर लेंगे घुमा के। ये देखिए बिल्कुल जस्ट इसके सामने इसमें फंस जाता है। ये देखिए जे कट है, देखिए यहाँ पर जे फ्लाईव्हील के पास गियर बॉक्स के पास होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इसका इंजन लॉक हो जाता है। देखिए जे देखिए इसमें नट है बिल्कुल दिखा रहा, जस्ट इसके सामने इसमें 13 नंबर का नट बोल्ट लग जाता है। 13 नंबर का जो भी आपका बन जाए वो लगा सकते हो, 13 नंबर का बोल्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर जब इसकी टाइमिंग बांधेंगे फिर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो इस टाइप का होता है नट, चार कोने का नट होता है इसमें, ये देखिए चार कोने का नट है। अब हम क्रैंक कस गई है, जो हो गया क्रैंक का आपको क्रैंक लॉक के बारे में बता दिया, अब आगे की फिटिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे हम। ओके, सील है इसको लगाने जा रहे हैं, ये गियर बॉक्स फ्लाईव्हील से पहले लगती है, इसको फिट करने जा रहे हैं। कल नहीं आऊँगा, अरे कल ना आई वो यार, कल छुट्टी करूँगा यार, कब आएगा। ये देखिए इसकी सील ठुक गई है। अब इसमें हल्का सा इसमें सफ़ेद बोल्ट लगा देंगे, ट्यूब यानी कि चारों तरफ हल्की सी ट्यूब लगा देंगे, फिर ओके, फिर आगे की फिटिंग करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। रिंग तो पड़ गए, कल हम आए नहीं थे इसके, हमारे इसके रिंग पड़ गए हैं,
अब हम वीडियो बना रहे हैं। अब इसका देखिए, अब इसको हम कटिंग करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। अब इसके हेड गैस्केट रखने जा रहे हैं, पहले हेड कस लेंगे फिर आगे की कटिंग करेंगे। देखिए जैसे कि महिंद्रा की ओरिजिनल हेड गैस्केट है, जो ये है, देखिए कैसे रहेगी। अब इसको फिट करने जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको। फिर हम हेड वो रखा है, देखिए और आगे की फिटिंग दिखाने जा रहे हैं, फिर बताएंगे आपको। जब हेड रखेंगे फिर दिखाएंगे आपको। आपको बता दें इसका जो ऑयल वाला होता है सुराग, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ऑयल वाला सुराग यहाँ पर होता है इसका। अब इसका हेड रखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेट कर लिया है। ये देखिए इसके हेड के बोल्ट हैं जो यहाँ पर फंसते हैं। इसको हम लगाने जाएंगे, इस पर हल्का सा मोबिल लगाएंगे, फिर इसको हेड को रख देंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए इस पर हेड हमने रख दिया है, और इसका देखिए बोल्ट है, ये बोल्ट डाल देंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए हेड के बोल्ट हमने डाल देंगे। अब जो डालने जाएंगे जैसे 15 नंबर की गोटी लगती है, आप इसमें 6 पेल की गोटी लगाना चाहिए तो ये बोल्ट स्लिप हो जाता है। अब इसमें 6 पेल की गोटी लगाएंगे 15 नंबर। अब इसको हम टाइट करने जा रहे हैं, देखिए पहले से बोल्ट आने इसकी कुछ स्टार्ट के बोल्ट होते हैं, देखिए बाहर तो इसमें फिक्स होती है। देखिए 6 पेल की गोटी है, इसको हम टाइट करने जा रहे हैं। पहले इसके बोल्ट मिला लेना चाहिए सारे बोल्ट, बाद में इसको टाइट करना चाहिए। रुक दीजिए, हेड के बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब इसके रोकर सॉकर लगाने जा रहे हैं, देखिए ये रोकर सॉकर होते हैं इसके। इस पर थोड़ा सा वायर लगाएंगे हम इन पर, यहाँ पर ऐसे हल्का सा, और यहाँ पर देखिए जी चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम इसके सारे रोकर सोकर डाल लेंगे, फिर बाद में आपको दिखाएंगे। ये रोकर सोकर सारे फिट कर दिए हैं तेल मोबिल लगा के। अब इसका हम लगाने जा रहे हैं कैम, ये देखिए इसकी कैम है दोनों। अब इसको हम लगाने जा रहे हैं, आपको इसके टाइमिंग के बारे में बताएंगे। इस पर थोड़ा सा वायर लगाएंगे हम, इन पर थोड़ा सा और लगाएंगे, फिर कैम रख देंगे, फिर आप आगे की फिटिंग दिखाएंगे आपको। अब इसको हम कैम रखने जा रहे हैं, देखिए इसको कैम रखने जा रहे हैं। देखिए चार अच्छी रबर होती है इंजेक्टर की, एक तो लिकारी नहीं थी, एक तीन लिकाराई थी, लिकार ली। चार अच्छी रबर होती है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर लगती है, यहाँ पर लगती है, इनके हल्का सा हम टूट लगा लेंगे फिर लिख रहे हैं ना, फिर आगे की स्क्रीन बताएंगे। ये देखिए इसकी मैं तीनों रबर लगा दी हैं, तीन लिकारी थी, तीन लगा दी, होती इसमें चार हैं। देखिए अब स्क्रीन लगा रहे जा रहे हैं, इसकी प्लेट अरे जो होती है कैम कवर होता है, ये देखिए इसका कैम कवर है ऊपर का डेबिट कवर। देखिए काफ़ी सारे बोल्ट होते हैं। अब इस पर लगाएंगे हल्की सीट चारों तरफ लगाएंगे बोल्ट, और इस पर थोड़ा सा ओवर लगाएंगे यहाँ पर, इसको हम फिट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए अब इस पर हमने टूप लगा ली है, देखिए एक पिन होती है और एक यहाँ दो, ये दोनों पिन टेबल कवर में फंस जाती हैं। देखिए एक यहाँ पर जो पिन फंस जाती है और एक यहाँ पर, एक ही साइड दोनों पिन होती है। इसको लगाने जा रहे हैं,
ये देखिए इसका टेप पर लग गया है, नेक्स्ट टाइम बोल्ट लगाने जा रहे हैं। देखिए 10 नंबर पे कुछ इस टाइप के इसमें काफ़ी बोल्ट लगते हैं, और इसको हम लगा देंगे फिर आपको दिखाएंगे। इसमें सारे बोल्ट डालकर हम इसकी सारी फिटिंग कर देंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसके टाइप करके सारे बोल्ट टाइट करके फिर आपको दिखाएंगे। टेपिट करके हमने सारे बोल्ट टाइट कर दिए, अब स्किम चैन चढ़ाने जा रहे हैं, टाइमिंग चैन आपको दिखा देंगे कहाँ पर जो सेट आती है। ये देखिए देखिए एक जे कट है और एक जे कट है, जे दो जो छोटे कट हैं वो ऊपर रहेंगे। देखिए जे साइड वाला जो बड़ा कट होता है इधर साइड में बड़ा कट होता है, जे इस साइड रहेगा, और देखिए इसमें भी एक बड़ा कट है वो इस साइड रहेगा। ये दोनों कैम के एक बड़ा साइड बड़ा कट इस साइड रहेगा, एक बड़ा कट इस साइड रहेगा। अब इसको बिल्कुल जे इसके जस्ट सामने होना चाहिए, बिल्कुल लेवल में। देखिए अभी इसको हम स्केल लगा कर देखेंगे, बिल्कुल जस्ट सामने इसको करके टाइमिंग बांधेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी टाइमिंग बन जाती है, और देखिए जो यहाँ पर इसका वैक्यूम पंप है, देखिए वैक्यूम पंप की प्लेट वैक्यूम पंप यहाँ पर लगता है। देखिए जे कट है एक, एक जे बड़ा कट है जो वो सीधा सीधा रहेगा, और ये छोटा कट है वो इस साइड रहेगा। और देखिए इसमें देखिए अब देखिए इसमें एक देखिए जो कट दिखा रहा है एक कट ऐसे रहेगा, इस टाइप रहेगा, इस टाइप बेड़ा बेड़ा कट रहेगा इस साइड। अब देखिए इस साइड से मिला सकते हो इसकी टाइमिंग, और वहाँ से भी टाइमिंग ला सकते हो। अब आपको दिखा दें इसका इसकी इंजन की टाइमिंग। देखिए आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हो, ये जिसकी जो है कार्टर बिल्कुल सीधे रख सकते हो, अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप यहाँ से भी इसकी टाइम ला सकते हो, जो कार्टर है बिल्कुल जस्ट इसके सामने रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधा इसके ऊपर, और यहाँ से भी इसकी टाइम ला सकते हो। और देखिए जो है जो एक नंबर इंजेक्टर खोल के इसमें देख आप इसके एक पतली सी तीली डाल के देख सकते हो, इसके अंदर जो पिस्टन टॉप पे होना चाहिए, यहाँ से इसकी टाइम मिल जाती है आपको। और दिखा दें देखिए एक जी यहाँ पर इसका नट होता है, इंजन जेस मेन लॉक यहाँ पर से होती है इसकी टाइमिंग। ये देखिए यहाँ पर है, अभी दिखाने जा रहे हैं आपको, यहाँ पर से इसकी टाइम ला सकते हो। देखिए जे कट दिखा रहा आपको, देखिए जे कट है वो कट दिखा रहा आपको अंदर, यहाँ से इसकी टाइम ला सकते हो आप, कट है इसके अंदर फंस जाएगा। ये 13 नंबर का बोल्ट लगता है, अब इसको हम लगाएंगे, इसकी टाइमिंग ला करेंगे, पहले इसकी चैन चढ़ाने जा रहे हैं, अब इसको हम सेट करेंगे। पहले हमने आपको दिखा दी टाइमिंग कहाँ कहाँ से होती है, अब इसको अपनी हम टाइमिंग सेट करेंगे, टाइमिंग बांधेंगे फिर आपको दिखाएंगे। हमने अपनी जो सेट कर ली है टाइमिंग, देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो सेट कर लिया रेती से, रेती रख के हमने देख लिया बिल्कुल, देखो इसके बराबर है इस टाइम, दोनों चीज़ दोनों बराबर हैं, दोनों खाँचे जो हैं बराबर हैं। यहाँ पर जो हो गया देखिए, ये हमने 13 नंबर का बोल्ट इसमें लॉक किया है, देखिए दिखा दें आपको, वो देखिए इसमें लॉक होता है, ये खाँचा होता है इसके अंदर बारीक सा, हाँ देखिए वो देखिए, ये देखिए अब इसको हमने लॉक कर लिया है, अब स्किम चैन चढ़ाने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कहाँ कहाँ से लॉक हो जाती है, कहाँ से सेट आ जाती है, जो इसका मेन है यहाँ पर देखिए, हमने इसको सेट कर लिया है और इंजन लॉक कर लिया है, अब स्किम चैन चढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए इसकी चैन है, ये पैड है इसके, और जो इसकी चैन है, अब इसका हम पंप लगाने जा रहे हैं, ये पंप लगेगा तभी इसकी टाइमिंग चैन चढ़ पाएगी। अब इसको पंप लगाने जा रहे हैं फिर दिखाएंगे आपको, इसका पंप है, अब इसको हम लगाने जा रहे हैं। देखिए 13 नंबर के इसमें नहीं सॉरी 12 नंबर के बोल्ट लगते हैं, ठीक ये देखिए कुछ स्टार्ट के 12 नंबर के बोल्ट लगते हैं इसमें, अब इसको लगाने जा रहे हैं। देखिए जी यहाँ पर इसका पंप लगता है, देखिए जैस का DRB है, DRB है जैस का, यहाँ पर इसको दिखाने जा रहे हैं। इसका पंप फिट कर दिया, तीनों बोल्ट टाइट कर दिए 12 नंबर के, और देखिए इसकी जो गियर है इसको
आपको फिट करने जा रहे हैं। इसमें कॉटर नहीं होती है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, इसमें इसको फिट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कॉटर नहीं है, खाचा जो कॉटर का होता है। ये देखिए इसमें बार्सल पड़ती है, लॉक बार्सल, फिर एक नट, इसी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। फिर टाइमिंग चढ़ाने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे चेन चढ़ाने जा रहे हैं। चेन दोनों चढ़ा दी हैं, पहले जाली चेन चढ़ती है जे गियर लगा कर, पहले जे गियर लेकर जाती है, तब इसके साथ में चेन जाती है, तब चेन चढ़ती है। चढ़ा दी चेन, और जो कैम की वजह चेन चढ़ा दी, अब इसके लगाने जा रहे हैं। देखिए जो पैड हैं, जिसके पैड होते हैं, देखिए दो सेम पैड होते हैं इसके, और दो छोटे बड़े पैड होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो बोल्ट लगते हैं 5 नंबर लंकी के, और एक जे इसमें लगता है इसमें, और एक इसमें लग जाता है ये, और इसमें जे देखिए एक इसमें फंस जाता है जे खाचे में, इसका एक जे पेड ना ये खाचे में फंस जाता है, ऐसे ऐसे फंस जाता है। अब इसको हम करने जा रहे हैं, फिट कर देंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसकी टाइमिंग, फिट कर देंगे फिर दिखाएंगे आपको। चेन चढ़ा दी, पेड़ लगा दिए हैं, अभी तक एडजस्टर में लगाया, अभी भी इसके बोल्ट हमने टाइट नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है, देखिए स्टार्ट से पहले जो एलुमिनियम का पहले पेड़ पड़ता है, फिर ये पूरा प्लास्टिक का पड़ता है इसके अंदर वाला, पहले प्लास्टिक का फिर एलुमिनियम का पड़ता है पेड़। देखिए इधर जो पेड़ हो गया, इसमें 5 नंबर की लगती है, इसमें लॉक पड़ती है, और जो एडजस्टर इसमें 10 नंबर बोल्ट लगते हैं, इधर 12 नंबर, ये देखिए अब इसको हमने कस दिया है। अब इसको हम जब कस देंगे फिर आगे उनको दिखाएंगे टाइमिंग सेट हो गई कि नहीं, अभी दिखा रहे हैं। हमने इसकी पूरी फिटिंग कर दी टाइमिंग की, अब इसको घुमा के देख लें एक बार। बिल्कुल अब हमने टाइमिंग पर कर ली इसको, बिल्कुल राउंड अच्छा दे रहा है आज। अब इसके आगे फिटिंग करेंगे, इसकी टाइमिंग तो फिट कर दी है। अब इसका लगाने जाएंगे टाइमिंग कवर, यह देखिए इसका टाइमिंग कवर है, इसके सारे बोल्ट हैं। अब इसमें हल्की सी टूप लगाएंगे चारों तरफ इसकी, इसको फिट कर देंगे फिर दिखाएंगे आपको। पहले इसमें टूप लगा लें, फिर फिट करेंगे फिर दिखाएंगे। इसके सारे बोल्ट लगा दिए हैं, टाइमिंग कवर किया, देखिए पूरा टाइमिंग कवर है, 12 नंबर के बोल्ट लगते हैं इसमें। यहाँ पर एक जो पट्टी लगती है, देखिए अब इसको हम सारे बोल्ट कस देंगे, फिर आगे की फिटिंग करेंगे फिर दिखाएंगे आपको। तो टाइमिंग कवर लगा दिया है, अब इसकी जो होती है यहाँ पर से इंजन लॉक होता है, वो उसकी हम लगा दे रहे हैं नट। अब इसको हम कस देंगे, नट लगा दिया हमने, इसको कस देंगे फिर आगे की फिटिंग करेंगे फिर दिखाएंगे आपको। इसका नट टाइट कर दिया, अब इसकी जो लगा रहे हैं जा रहे हैं जहाँ पर इसका मोबिल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, यहाँ पर जो इंजन में ऑयल जाता है, यहाँ पर इसका ऑयल जाता है, ढक्कन खोल के। अब इसमें देखिए 10 नंबर के दो बोल्ट लगते हैं, इसको लगाने जा रहे हैं। देखिए इस टाइप से लगता है, इस टाइप से एक लग गया है जी, और इसमें 10 नंबर के दो बोल्ट इस टाइप के लगते हैं इतने बड़े। अब इस दोनों बोल्ट को लगा देंगे फिर आगे की फिटिंग बताएंगे आपको। देखिए हमने इसका जे लगा दी है एल्बो टाइप में, अब इसका हम इंजेक्टर लगाने जा रहे हैं। देखिए इंजेक्टर, ये 4 इंजेक्टर है, इस पर हमने निशान लगा लिए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में, 3 तरह निशान लगा लिए थे, 4 नंबर में निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको फिट करने जा रहे हैं, इस पर हल्की सी ग्रीस लगाएंगे इन पर, हल्की सी बार्सल पर, और इसको फिट कर देंगे। देखिए जैसे
ब्रैकेट हैं जो इसमें फंस जाते हैं इस टाइप से, और जिसका स्टड है जो 13 नंबर का स्टड होता है। अब इसको हम कस देंगे, फिर बाद में आपको बताएंगे आगे की फिटिंग। देखिए यहाँ पर इसका एरिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, देखिए इंजेक्टर का एरिया यहाँ पर जो वार्सल पड़ती है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो जो इंजेक्टर लीक कर जाएगा फच फच की आवाज़ करने लगेगा। ओके, और देखिए इसका हम अब कैम सेंसर भी लगा दे रहे हैं। देखिए इसका कैम सेंसर है, ये देखिए इसका कैम सेंसर है, इसमें 10 नंबर का बोल्ट एक लगता है। इसको हम लगाने जा रहे हैं, लगा देंगे फिर इंजेक्टर भी लगा देंगे, फिर आगे की फिटिंग बताएंगे आपको। ओके, इंजेक्टर लगा दिए हैं और चारों बोल्ट इसका टाइट कर दिए नट। अब इसमें लगाने जा रहे हैं मैनिफोल्ड है, देखिए इसका मैनिफोल्ड है, अब इसमें लगाने जा रहे हैं। इसमें 12 नंबर के बोल्ट लगते हैं, देखिए बोल्ट इसमें जो होते हैं बोल्ट इसी में फिट हो जाते हैं, काफ़ी बोल्ट इसी में फिट होते हैं और बाकी लेकर आते हैं। अब इसको फिट लगाने जा रहे हैं, फिर जब लगा देंगे फिर आपको दिखाएंगे, कस देंगे फिर। इसका मैनिफोल्ड कस दिया है, अब जो इसकी पानी की पाइप लगाने जा रहे हैं जो इसमें लगती है यहाँ पर मैनिफोल्ड में, और ये तेल पंप की पाइप इंजेक्टर रेल में जाएगी, जो यहाँ पर रेल में इसको लगाने जा रहे हैं, पंप से रेल में जाएगी जी। और ये इसकी लगा देंगे, इसमें 10 नंबर का एक दो बोल्ट यहाँ पर लगते हैं और 12 नंबर का एक यहाँ पर लगता है 12 नंबर का बोल्ट, और इन दोनों चीज़ को लगा देंगे फिर आगे की फिटिंग बताएंगे आपको। इसकी एल्बो और पाइप लगा दिया, अब इसका लगाने जा रहे हैं क्रैंक सेंसर, आपको क्रैंक सेंसर दिखा देंगे कहाँ पर लगता है। ये देखिए इसका क्रैंक सेंसर लगता है, वो जो खाँचा बना है उससे जो कैच करता है तभी ये गाड़ी स्टार्ट होती है। ये देखिए इसका जो क्रैंक सेंसर है जो यहाँ पर लगता है जी ऐसे, अब इसको लगा देंगे, फिर इसका जो ब्रैकेट लगाएंगे, जो ब्रैकेट है अल्टरनेटर और इसका वो पावर स्टीयरिंग पंप का इसमें लगता है, और इसमें 14 नंबर के बोल्ट लगते हैं चार जो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर लगते हैं और दो यहाँ पर लगते हैं। अभी इनको हम लगा देंगे फिर आगे की फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। इसका हम चैम्बर लगाने जा रहे हैं, इसका चैम्बर है, इसमें काफ़ी बोल्ट लगते हैं, इस टाइप के लंबे भी बोल्ट लगते हैं इसमें और छोटे भी बोल्ट लगते हैं। अब इसको हम लगाने जा रहे हैं, इस पर देखिए बॉन्ड हमने लगा ली ट्यूब हल्की हल्की चारों तरफ, देखिए इसके आलपम जाली होती है इसी में और यहाँ से कंटेक्ट होता है इसमें, जिसमें आलपम में जाते सीधे जाते हैं यहाँ पर। इसको हम लगा देंगे फिर दिखाएंगे आगे आगे की फिटिंग। अब इसका हम आल कूलर लगाने जा रहे हैं, ये देखिए इसका आल कूलर है जिसकी पैकिंग, अब इसको लगाने जा रहे हैं, और इसकी ये गियर मेन पुली इसको भी लगा देंगे, और ये कवर इसका जो यहाँ पर लगता है ऐसे इसको हम लगा देंगे, इसमें ट्यूब लगाकर कर ये तीन चीज़ लगा देंगे फिर आपको बताएंगे। इसमें 10 नंबर के 6 बोल्ट लगते हैं, इसमें 12 नंबर के 3 बोल्ट लगते हैं, और इसको लगाने जा रहे हैं फिर दिखाएंगे आगे की फिटिंग। वैकुम पंप है इसका, इसका वैकुम पंप ब्रेक का, अब इसको हम लगाने जा रहे हैं, और ये ब्रैकेट इसको लगाएंगे जो जो यहाँ पर लगता है, 14 नंबर के 4 बोल्ट लगते हैं इसमें ब्रैकेट में, देखिए एक स्ट्रेट लगता है जो सबसे नीचे लगता है स्ट्रेट, और ये दो बोल्ट लगते हैं इसमें, और इसको लगा देंगे दोनों चीज़ को। और इसकी जितनी जो उस इंजन सपोर्ट वाली पत्ती जैसे जो वो भी एक पत्ती और इधर उधर चारों तरफ पत्ती हैं वो लगा देंगे सारी हम पत्ती, फिर आगे की फिटिंग करेंगे दिखाएंगे आपको। ये पत्ती लगा दी है, इससे जो इंजन उतारा जाता है, ये इधर देखिए सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, मतलब इसका लगाने जा रहे हैं मैनिफोल्ड टर्बो। इसमें जो टर्बो होता है वो मैनिफोल्ड साथ में होता है, EGR JS का EGR बाल JS का जो। अब इसका हम कसने जा रहे हैं, इसमें 13 नंबर के बोल्ट लगते हैं इसकी, जिसकी पैकिंग है मैनिफोल्ड की, अब इसको कस देंगे फिर आगे की फिटिंग दिखाएंगे आपको। ओके, हमने इसका जो मैनिफोल्ड लगा दिया, सपोर्ट भी लगा दी इसकी, जो नीचे जो सपोर्ट होती है वही दो बोल्ट से लगा दिया, पाइप भी लगा दिया इसका नीचे वाला। अब इसकी देखिए जो EGR का पाइप लगाने जा रहे हैं, देखिए जो EGR का पाइप है जो यहाँ से आता है पूरा, यहाँ से लगा कर पीछे से आता है, इसमें लगता है, इसमें क्लॉक फंसती है, ये देखिए इसको निकाल कर अभी इसकी जो EGR पाइप फंस गई। अब देखिए जो एक पानी का पाइप है,
ये पीछे जो लगता है उसको हम लगाएंगे अभी, इसकी पैकिंग साफ़ करके इसको लगा देंगे पानी का पाइप, फिर आगे की फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये सारी फिटिंग हो गई है, जैसे कि एल्बो भी हमने लगा दी। ये एल्बो में दो बोल्ट लगते हैं 12 नंबर के, एक यहाँ पर लगता है एक नीचे लगता है बोल्ट यहाँ पर। जी जो हो गया इसकी फिटिंग, अब वाटर बाटी और बचा है फ्राई व्हील लगाकर, वाटर व्हील लगाकर इंजन कंप्लीट हो गया, चढ़ा देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ओके।